हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आई एम ज्योति बुधवार। सो आज हम डिस्कस करेंगे एसटेट एग्जाम के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग। पॉइंट्स मींस आपको एग्जाम सेंटर में जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। हो सकता है इसकी वजह से आपको एग्जाम सेंटर में एंट्री ना मिल पाए, तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट मिस्टेक ना करे जो कि आप लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। और अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया है देन जल्दी से क्लास को लाइक जरूर कर दें। और जो भी स्टूडेंट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एसटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस, उन सभी के लिए इवनिंग में 7 PM पे क्लास रहेगी जो कि लाइव होगी, जिसमें सभी ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अगर हम बात करें एचटेट 2021 की, एचटेट एग्जाम 2021 जो कि दो डेट में होगा, 18th of December और 19th of December। ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम है हमारा 18 दिसंबर। जो भी पीजीटी लेवल का एग्जाम है वो रहेगा 18 दिसंबर। 19 दिसंबर में आपका टीजीटी एज वेल एज पीआरटी। ठीक है, वैसे तो एक क्लास सभी के लिए हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि इसमें हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपको एग्जाम टाइम में ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहली बात तो अगर हम बात करें कि आपको एग्जाम सेंटर से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, बिफोर एग्जाम सेंटर घर से क्या लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, किस टाइम जाना है, लेट नहीं करना है, कितनी देर लेट कर सकते हैं, ये सभी एप्लीकेशन जो आपका एडमिट कार्ड है वो साथ में लेकर जाना, एडमिट कार्ड में जो कैंडिडेट कॉपी है या आपकी सेंटर कॉपी है कौन सी कॉपी लेकर जानी है, जो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था एप्लीकेशन आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है या नहीं, यही सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहला पॉइंट, आई होप आप सभी ने अपने एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल लिए होंगे जिसमें एक है आपकी सेंटर कॉपी, एक है आपकी सेंटर कॉपी और एक है कैंडिडेट कॉपी। सेंटर कॉपी का मतलब है इसको आपको सेंटर में ले लिया जाएगा और कैंडिडेट कॉपी आपके पास रहने वाली है। ठीक है, और एडमिट कार्ड कैसा निकलवाना है आपको, कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाना है भाई, ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ध्यान रखें, अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने नहीं निकलवाया है एडमिट कार्ड तो आज जरूर निकाल लें। क्यों? क्योंकि उसको आपको अटेस्ट भी कराना है, उसको आपको अटेस्ट भी कराना है, आपका एडमिट कार्ड जो है उसको आप अटेस्टेड भी कराएंगे। ठीक है, उस पे जहां पे फोटो लगाने का कॉलम है आपको सेम फोटो अटैच करनी है अपने एडमिट कार्ड पे, सेम फोटो अटैच करनी है और उस फोटो को आपको अटेस्ट कराना है किसी गजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं कि अटेस्ट कराना था या नहीं, और वहां सेंटर में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि हमें एंट्री नहीं मिल रही है, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करना। ना ही आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटो प्रिंट आउट निकालना, कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है, अटेस्टेड कराना है फोटो एडमिट कार्ड पे लगा के, कैंडिडेट कॉपी पे भी और आपका सेंटर कॉपी पे भी। कैंडिडेट कॉपी आपके पास रहेगी, जब एस्टेट का रिजल्ट आएगा उससे पहले जब आपकी बायोमेट्रिक होती है तब आपको साथ में कैंडिडेट कॉपी लेकर जानी होती है। सेंटर कॉपी वो लोग रख लेंगे और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाला था तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको साथ में लेकर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको एग्जाम में साथ में लेकर जाना है। उसके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये तो है एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग, पेन आपको अपना लेकर जाना है, पेन आपको अपना लेकर जाना है। कैसा पेन लेकर जाना है? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। कैसा पेन लेकर जाना है? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है।
भाई आप पेन ब्लू रेड कलर ग्रीन कोई भी कलर ना लें, सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लैक कलर का पेन लेकर जाना है। ब्लैक से अलग कोई और पेन नहीं लेकर जाना। एक लेके जा सकते हैं, दो लेके जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। साथ में फोटो जरूर आप अपनी उसके साथ सेंटर कॉपी कैंडिडेट कॉपी उन पे लगा के जरूर लेकर जाएं, ठीक है। सेकंड बात आती है, पेन हो गया, एडमिट कार्ड हो गया हमारा, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, वो तो एक साथ है। उसके साथ आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है, आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड लेकर जाएंगे या फिर जिस भी आईडी प्रूफ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वो चीज आपको साथ में कैरी करके लेकर जानी है, ठीक है। जिस भी आइडेंटिटी प्रूफ को आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए अटैच किया था वही आईडी प्रूफ आपको साथ में लेकर जाना है। आई होप सभी स्टूडेंट्स के एडमिट कार्ड आ गए होंगे। उसके साथ ही अगर हम बात करें, आपको कोविड की वजह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाकर जाना है, मास्क लगाकर जाना है, ठीक है। तो मास्क जरूर लगाकर जाएं, साथ में कोई भी अननेसेसरी आइटम अपने साथ ना लेकर जाएं, खासकर गर्ल्स को कह रही हूं, रिंग्स, नोज पिन, इयररिंग, ये सभी चीजें बैरियर आइटम्स हैं, इनको ना लेकर जाएं, वरना फिर वहां पे बोलेंगे इसको निकालो, क्या फायदा है बार बार अपना टाइम वेस्ट करने से, अच्छा है आप सारी चीजें अपना घर पे रख के जाएं। जो मैरिड वुमेन है वो सिर्फ और सिर्फ अपना मंगलसूत्र डाल सकती हैं या फिर बिंदी लगाने का उनको परमिशन है, उससे अलग कोई और चीज आप अपने साथ ना लेकर जाएं। जो सिख हैं उनके भी जो रिचुअल्स हैं वो अलाउड है। उसके साथ सेकंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, आपको किस टाइम पे पहुंचना है, ये तो है। घर से निकलने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो एडमिट कार्ड लेकर जाना है, दोनों कॉपी लेकर जाना है, साथ में अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, एडमिट कार्ड को अटेस्ट कराना है उस पे सेम फोटो लगा के, एंड देन आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है, आधार कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। ये चीजें तो हैं घर से निकलने से पहले। उसके बाद आती है कि घर से जा चुके हो आप, लेकिन किस टाइम पहुंचेंगे। अगर हम बात करें पीजीटी एग्जाम्स की, तो 3 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम है। एंट्री जिस टाइम स्टार्ट होगी, शायद 12:50 पे एंट्री स्टार्ट होगी, तब से लेके और 2 बजे तक ही एंट्री होगी, 2 के बाद गेट क्लोज कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी रिस्क ना लें कि कभी आप सोचे 3 बजे एग्जाम है, 3 बजे तक आपको एंट्री दे दी जाएगी, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होने वाला है। तो आप लोगों को 2 बजे से पहले अपने एग्जाम सेंटर में रीच करके और अपनी सीट पे बैठ जाना है, 1 घंटा आपको वहीं पे बैठे रहना है, देन आपको आपका एग्जाम मिलेगा, तब आप अपना एग्जाम पेपर स्टार्ट कर पाएंगे। तो अब हो गई टाइम की बात कि आपको घर से किस टाइम जाना है, तो 2 बजे से पहले, ठीक है, 2 बजे से पहले आप अपने एग्जाम सेंटर में आपको पहुंच जाना है। उसके बाद लेट ना करें वरना एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। और जो भी एक्स्ट्रा एक्सेसरी आइटम होता है, फोन है, वॉच है, बैंगल्स है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है कुछ भी, तो वो सब चीजें प्रोहिबिटेड होंगी, वो अलाउ नहीं की जा सकती हैं। तो उन सब बातों को आप लोग अपने घर पे ही रख के जाएं सारे सामान को। उसके बाद बात आती है कि आप एग्जाम सेंटर में पहुंच गए हैं और आप अपना एग्जाम परफॉर्म कर रहे हैं, तो एग्जाम परफॉर्म कर रहे हैं तो जो जो क्वेश्चन आपको आता है करते जाएं, साथ में जितना पोर्शन, सपोज आपने साइकोलॉजी किया, उसके जितने भी क्वेश्चन आपके आते थे 30 में से सपोज आपको 20 आते थे, तो उन 20 को आप साथ के साथ फिल जरूर कर ले, क्योंकि लास्ट में स्टूडेंट्स को यही रहता है कि मैम मेरा पेपर पूरा तो हो गया था लेकिन मैं फिल नहीं कर पाया ओएमआर शीट में, तो ओएमआर शीट में अपना साथ के साथ फिल करते रहे, जो पोर्शन स्ट्रॉन्ग है वहां से स्टार्ट करें। और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, 150 क्वेश्चंस को आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता या तो ऑप्शन से एलिमिनेट करो, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाओ, और फिर भी नहीं आता तो कोई भी एक ऑप्शन लगा के आ जाओ, कहीं ना कहीं तो कोई क्वेश्चन तो ठीक मिल ही जाएगा, ठीक है।
और जितने भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, गलती नहीं करनी है, सिले मिस्टेक्स नहीं करनी है, और एग्जाम होने के बाद आप सभी को एनालिसिस करना है, क्लास को ज्वाइन करना है आफ्टर एग्जाम। वो बाद की बात है, आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी कि किस टाइम पे क्लास होगी। लेकिन हाँ, सभी स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से, अब ये लास्ट एक से डेढ़ दिन है आप लोगों के पास, इसमें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिविजन पे फोकस करें, ठीक है। फेयर आउट बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है मैम सब कुछ भूल गए हैं, याद नहीं है, तो ऐसा फील होता है, लेकिन आप अपना रिवाइज करते रहो। एग्जाम में जब आप बैठोगे आपको सारे पॉइंट्स अपने आप से ही याद आ जाने वाले हैं, ठीक है। आई होप एग्जाम सेंटर से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस टाइम तक जाना है आपको, और एग्जाम सेंटर में आपको अपने क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फर्दर अगर किसी स्टूडेंट का कहीं पे किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके साथ ही क्लास को लाइक जरूर कर दें, एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।